हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में, जिसको हम मोन्स्टेरा के नाम से जानते हैं। मोन्स्टेरा अमेरिका के रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड पौधा है। इसे स्प्लिट लीफ फिलोडेंड्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। यह अक्सर जंगलों में बड़े पौधों के सहारे बढ़ता है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको आप इंडोर या आउटडोर कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं, इसलिए ये पौधा हर गार्डनर की पहली पसंद है और इंटीरियर डिजाइनर भी इसको बहुत पसंद करते हैं। हालांकि अगर इसको आप घर में उगाते हैं तो इसकी हाइट 2 से 3 फीट ही होती है। बाहर अगर ये किसी पेड़ के सहारे लगाया जाता है तो ये 10-20 फीट ऊपर भी चला जाए तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और आज इसी में से एक नई कटिंग से एक नया पौधा तैयार करूँगी। मोन्स्टेरा में भी पोथोस की तरह, जो हम घरों में मनी प्लांट लगाते हैं उसकी तरह ही एरियल रूट्स निकलती हैं, जिसके सहारे वो अपने पोषक तत्वों को खींचता रहता है। तो हमें कटिंग लगाने के लिए एक हेल्दी प्लांट से एरियल रूट के साथ में एक हेल्दी कटिंग निकाल लेनी है। फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में मोन्स्टेरा के प्लांट में एरियल रूट्स जो होती हैं वो बहुत ही अच्छे से निकलती हैं। तो अगर आपको कटिंग लगाना है तो आप बरसात में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप बरसात में नहीं लगाते हैं तो इसका लगाने का एक आसान तरीका ये है कि कुछ एरियल रूट्स के साथ आप एक अच्छी सी कटिंग निकाल लें और उसको किसी पारदर्शी कंटेनर में पानी डालकर उसमें रख दें और तेज़ धूप से बचा के रखना है। फ्रेंड्स, इसको इंडोर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तकरीबन 20 दिन बाद कटिंग से रूट्स निकल आएंगी और फिर उसके बाद आप इसको मिट्टी में आराम से लगा सकते हैं। जो मैंने ये कटिंग ली है इसमें बहुत सारी एरियल रूट्स निकली हैं और मुझे कुछ कटिंग्स और मिली थी दूसरे प्लांट से, तो यहाँ पे मैं आज 4 प्लांट तैयार करने जा रही हूँ। पॉटिंग मिक्सर के लिए मैंने गार्डन सॉइल लिया है, कोकोपीट लिया है और मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिक्स किया है। सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपीट मैंने बराबर मात्रा में लिया था। कोकोपीट इसलिए फ्रेंड्स कि वो मिट्टी को बहुत ही हल्का रखता है और जितना भी मॉइस्चर जरूरी होता है मिट्टी में वो मेंटेन करके रखता है। 8 से 10 इंच के पॉट में आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। अगर आप मोन्स्टेरा को घर में लगा रहे हैं तो उसको खिड़की के पास रखें, जहाँ पर पौधे को पर्याप्त रोशनी मिलती रहे। इन कटिंग्स को 8 से 10 इंच के पॉट में लगाने के बाद अच्छे से पानी दे देना है और तकरीबन 15 दिनों में इसमें नए पत्ते आने लगेंगे। सॉइल में लगाने के बाद 3 से 4 दिनों तक इसमें पानी डालते रहें। वहीं अगर गर्मी है तो दिन में एक स्प्रे बॉटल में पानी भरकर इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव करते रहें। मोन्स्टेरा में कीड़े लगने की कोई संभावना नहीं होती है, लेकिन अगर कीड़े लगते हैं तो आप इस पे नीम के तेल का छिड़काव भी कर सकते हैं। मोन्स्टेरा में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें सीवीड एक्सट्रैक्ट की तो वो मोन्स्टेरा के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो अगर आप चाहें तो 6 महीने में एक बार सीवीड एक्सट्रैक्ट का छिड़काव जरूर करें। इससे पत्तियां इसकी बहुत ही लस ग्रीन और ग्लॉसी दिखती हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होगा उसको सहारे की ज़रूरत होगी, तो बेहतर है कि आप मॉस स्टिक का प्रयोग करें। मॉस स्टिक में जो मॉस होती है वो एरियल रूट्स को पकड़ने में मदद करती है। मॉस स्टिक आपके प्लांट को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। अगर आप जब वाटरिंग करते हैं तो मॉस स्टिक को भी पानी से ज़रूर भिगो दें, जिससे जो एरियल रूट्स होती हैं वो उनको जितनी भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वो मॉस स्टिक से सोख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इस खूबसूरत पौधे को लगाना कितना आसान है। अगर आपका गार्डन आपको खाली खाली लग रहा है तो नए साल की शुरुआत में इस पौधे को ज़रूर लगाएं और अपने गार्डन को और भी सुंदर बनाएं। अब हम बात करेंगे फेंग शुई या वास्तु के अनुसार मोन्स्टेरा का घर में क्या महत्व है।
मोन्स्टेरा डिलिसियोसा अन्य इंडोर प्लांट्स से ज़्यादा देखने में खूबसूरत होता है। इसकी जो पत्तियों की रचना होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। ये जिस जगह पे लगा होता है उस जगह को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और सौभाग्य को भी आकर्षित करने वाला पौधा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह खिड़की और दरवाजों से होता है। मोन्स्टेरा को आप दरवाजे पे लगा सकते हैं, यह आने वाली ऊर्जा को शुद्ध करता है और पूरे घर में प्रवाहित कर देता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।